कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो ठीक है, चलिए आज आपकी स्टडी हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बेटा ये है क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और 8.1, 8.2 आपके फिनिश हो चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जा करके फुल वीडियो वॉच करिए, देन आइए एक्सरसाइज 8.3 पर। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो है एक्सरसाइज 8.3 के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम फार्मूला प्रिपेयर करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को 1-to-1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उसमें पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, किस फॉर्मेट में अप्लाई हुआ है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कनेक्टेड फार्मूला जो आपकी हेडिंग है राइट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में आपको पहले से पता होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये बेटा क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमने काफ़ी चीज़ें लाइकवाइज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसी चीज़ें हमने क्या की थी, पढ़ी थी। उन्हीं से कनेक्टेड मैंने क्या बताया था, क्वार्टर के बारे में बताया था, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर जो कि 90 माइनस होता है जिसमें आपका जाता है, और 90 प्लस और 180 माइनस सेकंड क्वार्टर में जाते हैं। इसी टाइप से आगे कि आपके 270 और 360 था, और जिसमें मैंने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री होने पर साइन कॉस टेन ये क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, मींस चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने बताया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके फुल वीडियो वॉच कर लीजिए, अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, उनकी टेबल्स, उनकी वैल्यूज़, उनके फार्मूलाज, कैसे कहाँ से आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बनी है, सारी की सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बेहद अच्छे तरीके से वीडियो प्रिपेयर किया गया है, बेसिक टू ऑल है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सारे वीडियोज़ को फुल वॉच करिए, देन यहाँ पे आइए। तो आज की बात है, आज की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है, उसमें एक एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है, कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका दे दिया गया है, यहाँ पर ये जो एंगल आपका होता है ये 90 डिग्री का होता है, जैसा कि मैंने बताया भी है 8.1 8.2 में भी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ, जो कि बी सपोज किया गया, ये है ए, ये ऐसे कुछ इस तरीके से हम सपोज करेंगे। देन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टू एंगल्स, ये और ये, मींस एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सी, इन दोनों का एडिशनल कितने एंगल्स के इक्वल्स होगा, मींस इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना एंगल हमें मिलेगा। सबसे पहली चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जो आपका कंप्लीट एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल में कोई भी एंगल, मींस थ्री एंगल्स को ऐड करने पर हमें 180 डिग्री का एंगल मिलता है, जिसमें से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री होगा। देन अगर टू एंगल्स और डिफाइन करने हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, मींस इसी 90 को इन दोनों में क्या कर देंगे, पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। तो 90 को हम डिवाइड करेंगे, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। देन 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों के प्लेस पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री कंप्लीट, 45 45 90 टोटल ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मींस एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल्स हो जाएगा। कुछ है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमारा सेशन चल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टू एंगल्स का एडिशन ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे डेफिनेशन में इसके, कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल और वी कैन से अबाउट द एक्वर्ड एंगल, मींस कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन
ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ टू एंगल्स लाइक एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। द एंगल ऑफ ए एंड द एंगल ऑफ सी का एडिशनल क्या मिलता है 90 डिग्री और वो क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहली चीज़ हमारी कंफर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो 6 टाइप का होता है, और 6 टाइप के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की बनाई थी उसमें मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम फाइंड करते हैं। बेटा अगर हम यहाँ पे थीटा सपोज कर लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा एक ही जगह सपोज करेंगे, या तो यहाँ, ठीक, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बताई गई थी। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग नहीं है ये आपका चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उस वीडियो को फुल वॉच के। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की पूछें तो क्या आप बताएंगे, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या डिफाइंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये है बेटा थीटा के साइड जो भी मिलती है फ्रंट पे वो होती है परपेंडिकुलर। तिरछी जो साइड होती है जो इस तरीके से आती है, सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। जो बेस होती है वो नीचे हो जाती है अगर परपेंडिकुलर सामने हो। ठीक है, ऐसे ही अगर सी के सामने ये परपेंडिकुलर होता तो ये हाइपोटेनस हो जाती, बट ए के सामने थीटा जो है वो किसके सामने है, वो बी सी के सामने है, तो जिस साइड के सामने होता है ये थीटा वो हो जाती है परपेंडिकुलर। यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर आपका है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस आपका नहीं चेंज होता, हाइपोटेनस इज नॉट चेंजेबल। ये हो गया कॉस भी आपका, ठीक है, बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी। ठीक है, कुछ इसी तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं, टैन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो टैन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ये हो गई परपेंडिकुलर आपका बी सी है, बेस हो गया आपका ए बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इन सारी डेफिनेशंस को हमने राइट किया। हमने ये पता किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल और किसी एनी ट्रायंगल में हमें एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ सी का जो एडिशनल होता है 90 डिग्री होता है, और यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। किस फॉर्मेट में हमने ये सारी चीज़ें सीखी ये आपको राइट कर लेना है। देखिए हमारे क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 8.3 के, उसमें कौन कौन से फार्मूलाज हमें देखने हैं, कनेक्टेड फार्मूलाज, जिसमें से आपको सबसे पहली चीज़ स्क्वाडर के बारे में बता रहा था, जो कि चैप्टर 8.1 और 8.2 के पहले की जो वीडियो उसमें मैंने बताया था कुछ इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लिया इसको, मैंने अच्छे तरीके से उस वीडियो में बताया था, लॉन्ग वीडियो है 59 मिनट्स की अबाउट है, तो उसको जाकर के आप देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझा दिए गए। यहाँ पर बेटा क्या है, 90 डिग्री जो कि आपका इसके पहले का जो क्वार्टर होता है ये फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है। कौन सा क्वार्टर होता है, फर्स्ट, ये आपका होता है सेकंड, ये आपका होता है थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में जब आपका 90 माइनस होता है, क्या होता है, 90 माइनस होता है तो वो फर्स्ट क्वार्टर में जाता है, जो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं इस क्वार्टर में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर जो आपका है इसमें 90 आपका प्लस हो जाता है, थर्ड जाता है, मैंने बताया था जब आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, समथिंग एनीथिंग कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम उस नंबर से आगे जाते हैं, और जब उसमें से माइनस करते हैं मीन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नंबर से पीछे जाते हैं। तो जब 90 में प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, मीन सेकेंड क्वार्टर में पहुँच जाएंगे, और जब 90 में माइनस करेंगे तो किस में पहुँच जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर में पहुँच जाएंगे। लाइकवाइज हम 180 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वार्टर में जाएगा, ऐसे 270 माइनस करेंगे तो इस क्वार्टर में जाएगा आपका, और 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वार्टर में आपका जाएगा। लाइकवाइज 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वार्टर में, और ऐसे ही अगर हम 360 प्लस कर दें तो किस क्वार्टर में जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा। ठीक, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, 180 प्लस आगे बढ़ा, 180 माइनस पीछे गया, मतलब कि जितने भी एंगल्स हैं अगर उसमें समथिंग ऐड करेंगे तो वो आगे जाएंगे, और समथिंग सब्सट्रैक्ट करेंगे मींस माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी तो मैंने जल्दबाजी में बता दी हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को 1-to-1 ईजिली मैंने बताया था वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे कि बेटा हमने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। क्या बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंजेबल होते हैं, मीन्स बता देते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक वाइज साइन 90 माइनस
थीटा, तो आपका क्या हो जाता था उसमें, कॉस थीटा हो जाता था, ठीक है। लाइक वाइज कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा साइन थीटा के। कुछ इसी तरीके से अगर हम टेन के फॉर्मेट में इसे देखें तो टेन 90 माइनस थीटा जो किसमें चेंज होता था, कॉट थीटा में चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही बच्चों अगर हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हुआ। ऐसे ही अगर हम सेक के लिए देख लें, कॉट का तो आप जान ही गए होंगे कि कॉट 90 माइनस होगा तो टेन के ही फॉर्मेट में चेंज होगा। ऐसे ही आपका अगर सेक हो जाए तो भी उसी फॉर्मेट में चेंज होता है, सेक 90 माइनस थीटा किस में, कॉस सेक में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। हमें क्या करना है, इसी के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखना है। जैसे आपका साइन 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ना कि साइन 90 समथिंग इसमें से माइनस करेंगे तो कॉस हमें मिलेगा। ऐसे ही कॉस 90 में से समथिंग हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें साइन मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री, ठीक है। बिकॉज अगर बेटा साइन 90 में से अगर हम 72 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आप, ये कुछ इस तरीके से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 90 में से 72 जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। इसी 18 को मैंने कुछ इस तरीके से राइट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें तो आपके समझ में आ रही होंगी कि 90 में से 72 सब्सट्रैक्ट हुआ है तो 18 डिग्री आएगा। ऐसे ही कॉस 72 डिग्री जो कि आपका नीचे राइट किया हुआ है, ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है। तो चाहे आप नोमिनेटर को चेंज करें या डिनोमिनेटर को, दोनों में से एक ही को चेंज करना रहता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। चाहे आप 72 को 90 माइनस 80 राइट कर दें, या फिर आप यहाँ पर 18 डिग्री को 90 माइनस 72 डिग्री कर दें, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, चाहे आप डिनोमिनेटर में करिए चाहे नॉमिनेटर में। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर आपका जो कि इक्वल्स हुआ कॉस के फॉर्मेट में, कॉस थीटा हो गया, और कॉस 72 डिग्री जो कि नीचे राइट हुआ है। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री राइट करेंगे, कैंसिल हो गया अप एंड डाउन, जो कि आपकी वैल्यू आ गई 1। कुछ इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे ही आपका आंसर आएगा। चलिए इसे राइट करिए, देन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बेटा दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा कुछ इस फॉर्मेट में है, टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री क्या है। लाइक वाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये भी है। यहाँ पर क्या करेंगे, टेन 26 है ना, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, 64 है, 90 में से आप 64 क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हमें वैल्यू मिल जाती है, 26, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 90 माइनस 64 कर देंगे, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और थीटा के प्लेस पे आपकी वैल्यू क्या है, 64 डिग्री। तो ऊपर आ जाएगा कॉट 64, नीचे कॉट 64 है, कैंसिल आपकी वैल्यू 1, ठीक है। डिग्री है यहाँ पे 42 डिग्री, अगर हम चाहें 42 डिग्री को 90 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, मींस माइनस कर दें, तो 48 डिग्री आ जाएगा। और अगर हम कॉस 90 माइनस 42 डिग्री कर दें तो क्या आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से चाहे आप इसको चेंज कर दीजिए, चाहे आप इसको चेंज कर दीजिए, मर्जी आपकी, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, तो मैं यहाँ पर करूँगा कॉस 48 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, माइनस 42 कर देंगे, और यहाँ पर एज इट इज साइन को उसी फॉर्मेट में हम राइट कर लेंगे, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा ऐसे राइट कर लेंगे, साइन 42 डिग्री आपका हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री यहाँ पर आपका राइट किया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, 0, ठीक है बेटा। कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसको राइट करिए, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर जो कि फर्स्ट का पार्ट है हमारा, वो क्या है, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अभी हमने बताया था कि कॉसिक में से जो कि वैल्यू अगर सेक के फॉर्म में दी गई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसिक के फॉर्म में ये दिया गया है 31, और यहाँ पर है 59। अगर हम 90 में से 59 सब्सट्रैक्ट कर दें, मीन्स माइनस कर दें, तो 31 डिग्री आएगा, या फिर हम 90 में से 31 डिग्री माइनस कर दें तो हमारा सेक 59 डिग्री आ जाएगा। मर्जी आपकी, फैसला आपका, चाहे आप जो चेंज करिए, इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, कैंसिल होना होना है, 0 आना ही आना है। तो क्या करेंगे आप, कुछ इस तरीके से आप कर दीजिए, कॉसेक 90 माइनस 59, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर सेक 59 डिग्री और ये भी सेक 59 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 0, ठीक है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, LHS, LHS से लेकर के RHS तक हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले हम टेक करते हैं LHS को, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में है, टोटल की टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज केवल एक ही फॉर्मेट में है, टैन के फॉर्मेट में। क्या देखेंगे हम यहाँ पर, टैन 48 डिग्री। सबसे पहली चीज आपको ये यहाँ पर पता करना है कि हम ऐसा क्या इसमें से आपस में पेयर बना लें कि एक से हम माइनस करें तो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाए। जैसे आपके पास अगर 70 डिग्री, टैन 70 डिग्री की वैल्यू हो और टैन 20 डिग्री की वैल्यू हो, तो क्या करेंगे, चाहे आप टैन 90 माइनस 20 डिग्री कर दें तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप 90 में से 20 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो आपका टैन 70 डिग्री। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको देखना है कि इसमें जितने भी फॉर्मेट में हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब टैन में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हम उनके एंगल्स का पेयर बनाएंगे। फिर ध्यान से समझ लीजिए क्या करेंगे, पहले हम उनके एंगल्स का पेयर, ये है इनका एंगल, तो इसका और किसका पेयर बनेगा यहाँ पर ये देखना है। तो अगर 90 में से हम 48 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 42 डिग्री। इसका मतलब इसका और इसका क्या बनेगा, पेयर बनेगा, देखिए। और इसी तरीके से इसका और इसका पेयर बन जाएगा, क्योंकि अगर हम 90 में से 23 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दें तो करते हैं तो 67 डिग्री हमारा आता है। तो कुछ इसी तरीके से बेटा करेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या कर देंगे, 48 को सब्सट्रैक्ट करते हुए 90 माइनस क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर इसको लाना है, क्या कर देंगे, 42 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम टैन 23 डिग्री को राइट करते हैं और टैन 42 डिग्री जो कि नियर बाई है, और टैन 67 को हम चेंज करते हैं किस में, 90 माइनस 23, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन 23 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज, जिसका जिसका पेयर बन गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके नियर बाई राइट करेंगे और इसको इसके नियर बाई राइट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन 42 डिग्री, ये टैन 23 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि पेयर बन चुका है इनका इनका और इनका इनका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन 23 डिग्री, और यहाँ पर टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कॉट है, कॉट इक्वल्स क्या होता है, 1/10 होता है ना, अभी हमने बताया था ना, वीडियो जाकर के देख लीजिए, अभी टाइम है, अभी टाइम है, जाकर के देख लो, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, फिर से साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन पे कॉसेक आया, कॉस पे सेक आया, टेन पे कॉट आया, जिस पर जो आ रहा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सिंपल वे, एकदम इजी वे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से टैन 42 डिग्री हो गया है, यहाँ पर टैन 23 डिग्री को राइट करेंगे कुछ इसी फॉर्मेट में, और 1/ क्या हो जाएगा, ये टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 1 लाना है, कैंसिल करना है, टेन 42, टेन 23, टेन 23, देखिए अप एंड डाउन क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल हो गए, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1 बेटा, क्या हो जाएगा ये आंसर, और ये है आपका RHS। सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताया था, जब LHS और RHS को आपको प्रूव करना है टू साइड्स में, क्या करेंगे आप, इस लाइन को जरूर राइट करेंगे, इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, LHS इक्वल्स टू RHS, इसको बिना राइट किए हुए आपको नंबर नहीं मिलना है, बिकॉज एग्जामिनर तो आपकी उड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट करना है, इसको जल्दी से राइट करिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, दूसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, पार्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है आपका, कॉस 38 डिग्री, कॉस 58, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, जरूरी है ये पढ़ना, आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मजाक करने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको राइट करने की बात है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पार्ट बताया था तो आपके अंदर ये डर होगा कि मैं सेकंड पार्ट नहीं बताऊँगा, जी हाँ मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, हाँ जी ये पुराना है, जी हाँ ये पुराना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, कॉस 38 डिग्री, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, कोई ऐसी ट्रिक ढूंढना है आपको जिससे ये एकदम इजी वे में आ जाए। पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपको साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो कि मैंने बता दिए हैं,
वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर। मैंने भी कहा था कि टाइम है, जाकर के उसे वॉच कर लीजिए। तो बेटा यहाँ भी क्या है, आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको ए सपोज कर लें, ठीक है, इस 38 डिग्री को ए सपोज कर लें, 52 डिग्री को बी सपोज कर लें, तो ये भी ए और ये भी बी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, जब हमने इसको और इसको सपोज किया ए और बी, तो ये भी तो वही है 38 और 52। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। और ये फॉर्मूला होता किसका है, आपका कॉस ए प्लस बी का, बताया था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए प्लस बी, एकदम इजी वे में आप राइट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऐड करिए इन दोनों को, 90 डिग्री आ गया ना, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है, जीरो। ये हो जाएगा आपका आंसर। बट ये कौन सी मेथड थी, ये थी आपकी फर्स्ट मेथड। अभी इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कराएंगे। हो सकता है कि आप एक ही मेथड जानते हो इस क्वेश्चन की, अभी मैं क्या कराऊंगा, दूसरे मेथड से इसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड में ऐसा क्या होगा जो फर्स्ट में नहीं हुआ है, या जो फर्स्ट में हुआ है वो सेकंड में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बेटा है कॉस 38 डिग्री, ठीक है, हम इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है ना, कॉस थीटा भी बताया फिंगर वाइज ना, कॉस थीटा इक्वल्स 1/sec θ, तो क्या हो जाएगा 1/sec θ, राइट। एज हम क्या करेंगे, यहाँ साइन 38 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/cosec θ हो जाएगा, 1/cosec 38, और यहाँ पर साइन 52 को एज इट इज हम राइट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको, इसी को कन्वर्ट करेंगे, किसको, sec 52 डिग्री को। तो sec 52 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट होता है, sec cosec में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री और माइनस समथिंग क्या लाना है, 52, तो कितना माइनस करेंगे, 38 डिग्री माइनस कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 90 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा, 52 डिग्री आएगा। देखते रहिए देखते रहिए, यहाँ पर देखिए कॉसेक है ना, कॉसेक को चेंज करना है, तो किस में चेंज होता है, सेक के फॉर्मेट में, तो सेक 90 माइनस कितना लाना है, 38, तो 52 था तो 38 माइनस हुआ, अब 38 लाना है तो 52 माइनस होगा, ठीक है, 52 डिग्री हो गया यहाँ पर, यह साइन 52 डिग्री नियर बाय यहाँ पर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, कॉस 38 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस 38 ऐसे रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1/cosec, देखिए cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, sec थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/sec, बट sec जब कन्वर्ट होगा ऊपर जाएगा डायरेक्टली, एक लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा, रहने दो भैया, ना ही करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर जी उड़ा दिए, ठीक है। चलिए cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो हो गया sec 38 डिग्री माइनस 1/sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cosec 52 डिग्री, तो cosec 52, cosec ऊपर जाएगा, ठीक है, ये cosec में कन्वर्ट हो गया, अब जब cosec में कन्वर्ट हो गया ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, साइन में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 52, ठीक है, और यहाँ पर देखिए साइन 52 आपका है ही, कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपका बना गया, यहाँ पर आपका बन गया, सॉरी कर लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट ही कर दिए, पहले इसको हम राइट कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉसेक 52 डिग्री, मैंने कहा था अभी राइट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 38 डिग्री 1/sec कॉस 38 डिग्री माइनस 1/cosec साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोबारा आ गया, ठीक है। ये देखिए कॉस और कॉस सेम बेस है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए एक लाइन, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखिए साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ये भी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला जो कि ये होता है, राइट कर लीजिएगा, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से हम इसको
रफ कर देते हैं इसको, आप राइट लिखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मीन्स 38 प्लस 52 और इंटू कॉस ए माइनस बी मीन्स 38 में से क्या हो जाएगा 52 माइनस, तो बेटा क्या आ जाएगा ये दोनों ऐड होकर के आपका देखिए 8 2 10 और 5 3 8 9, ठीक हो गया। कॉस ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से जाएगा तो कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, नो मीन टू दिस वैल्यू, क्यों, क्योंकि कॉस 90 डिग्री इसके नियर बाई है और दोनों का प्रोडक्टिव है, तो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो। और ये देखिए कॉस 40 डिग्री जो कि नियर बाई रहेगा, इनके रहने और ना रहने से कोई मीन्स नहीं होता है बच्चों। आंसर आ गया आपका कुछ इस तरीके से, सेकेंड मेथड थी, ठीक है, आप भी लगाइए, दूसरी मेथड अच्छी है, जब आप 11th में जाएंगे तो ये आपको फार्मूला मिलेगा, अभी भी है फार्मूला, हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में ना हो, बट आप प्राइवेट बुक लेके बच्चों अगर पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से मैथ सॉल्व कर रहे होंगे, आपको अगर प्रिपरेशन करना है कॉम्पिटेटिव भी देना है तो आप इस फार्मूले को जरूर राइट कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, मीन उसका प्रोडक्टिव है। देखिए आ गया ये आंसर, इसको आप राइट करिए। तो हम देखते हैं एक और मेथड, ठीक है, एक और मेथड इसी क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, ये आपका जो कि थ्री लाइंस में आपका ये इसका सॉल्यूशन होगा और ये बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ राइट की हुई है। आपको ऐसा लग रहा है क्या ये थ्री लाइंस में इसका आंसर होगा, हो जाएगा, बट क्या करना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट करना है। किस फॉर्मेट में राइट करना है, सबसे पहली चीज़ हम एक को चेंज करेंगे एक को चेंज नहीं करेंगे, लाइकवाइज अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, और देन इसमें हम अगर इसको नहीं चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर यही देखना है। तो कॉस 38 डिग्री आपका इसी फॉर्मेट में राइट रहेगा, कॉस थीटा होता है आपका 1 बाई sec थीटा, ठीक है, यहाँ पर चाहते तो हम क्या कर सकते थे 90 माइनस 38 डायरेक्ट राइट कर सकते थे, बट हमने इसको आपको माइंड कराने के लिए राइट किया। यहाँ पर आप साइन 38 को एज इट इज़ राइट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे इसको चेंज किया कॉस को 1 बाई sec, तो साइन को 1 बाई cosec, cosec 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस 38 डिग्री कुछ इस तरीके से जो कि आपका राइट हुआ। अब यहाँ पर sec क्या करेंगे, वही चीज़ जो भी मैंने बोली, 90 माइनस 38 करेंगे तभी तो 52 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री, सॉरी यहाँ पर माइनस था, ठीक, और यहाँ पर 1 बाई sin, इसी तरीके से ना क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर अभी साइन कहाँ आएगा, अभी तो कन्वर्ट करना है, तो cosec 52 को क्या करेंगे 90 माइनस 38 के फॉर्मेट में राइट करेंगे एज इट इज, जैसे मैंने 52 को राइट किया 38 के फॉर्मेट में वैसे 52 को राइट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री एज इट इज, और यहाँ पर 1 बाई sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका cosec थीटा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और यहाँ पे 1 बाई cosec 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा sec 38 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन और ऊपर आएंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री है इंटू 1 बाई cosec sin, तो साइन 38 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 38 पहले से था, और यहाँ पर आपका हो गया 1 बाई sec cos 38 डिग्री। क्या मिला cos 38 sin 38 माइनस साइन 38 cos 38 मीन्स ए बी माइनस बी ए, बात तो एक ही हुई, ए बी माइनस बी ए या बी ए माइनस ए बी या ए बी माइनस बी ए समथिंग, कुछ भी समझिए। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 2x या x मल्टीप्लाई 2, बात तो एक ही हुई ना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, 10th में है भाई, हाँ इतना तो समझ ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, बच्चों क्या आ गया जीरो, दिख रहा है ना साफ 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 साफ, ठीक है। तो चलिए इसको राइट करिए, देन हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से राइट करिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि कुछ इस तरीके से है, मैं एक बार आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। दिया गया है बेटा कि tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री है, देन हमें फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी जब जहाँ क्या कैसे 2a इज एन एक्यूटेंगल है, एक्यूटेंगल है, तो एक्यूटेंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें tan 2a की जो वैल्यू होगी इसमें a की tan 2a में से जो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसकी वैल्यू एक्यूटेंगल का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से छोटी हो, नहीं कितनी छोटी, इतनी छोटी हो